के पटना का वो खास जगह पे, जिस इस जगह पे होली का दहन का जो काफी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। गाइस तो जिस समय का आप सभी को इंतजार था बेसब्री से, फाइनली वो समय आ चुका है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पटना का होलिका दहन, तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांधी मैदान के पास, जो कि देख सकते हैं गांधी मैदान के पास कुछ इस तरह से होलिका दहन का तैयारी किया जाता है। हालांकि जिस जगह को हम आप लोगों को दिखाने वाला है उस जगह पे इस जगह से काफी धूमधाम से और काफी खूबसूरत तरीके से सजा के होलिका दहन का तैयारी किया जाता है। उस खास जगह पे भी हम जाके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, लेकिन रास्ते में मुझे गांधी मैदान का भी दिखाना पड़ गया आप लोगों को। सोचे आप लोगों को गांधी मैदान का भी दिखा देते, तो गांधी मैदान में कुछ इस तरह का होता है गांधी मैदान के सामने। तो हम उस जगह पे जा रहे हैं और आप लोगों को वो खास होलिका दहन आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं उस स्थान पे। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं पटना का वो खास जगह पे, जिस जगह पे कई वर्षों से होलिका दहन का जो है काफी धूमधाम से आयोजित किया जाता है, जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे। फाइनली उस स्थान पे पहुंच चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। इस जगह पे होलिका दहन का जो है काफी धूमधाम से आयोजित किया जाता है काफी वर्षों से, तो हम आप लोगों को एक एक करके पूरा चीजों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आप लोगों को। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिए। गाइस तो देख सकते हैं अभी हम होली के दहन जिस जगह पे होने वाला है उसी जगह पे आ चुके हैं। देख सकते हैं इसे जो है गोईठा को सुबह 6 बजे से सजाया जाता है, पूरे तरीका से अच्छे से सजाया जाता है। ऊपर से देख सकते हैं माता रानी की एक मूर्ति है, उसके बाद इसको जलाने का टाइमिंग जो है वो 1 बजे ही चला, 1:10 में इसको इस होली का दहन को जलाया जाएगा, वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से कितना खूबसूरत तरीका से सजाया गया है। चारों तरफ से परिक्रमण करने के लिए देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया गया है, और रंगोली भी काफी खूबसूरत यहाँ पे सजाया गया है, जो कि देख सकते हैं चारों तरफ से रंगोली काफी खूबसूरत सजाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे काफी आंटी लोग यहाँ पे आके, सभी लोग पहले यहाँ पे आके पूजा करते हैं, 1 बजे तक यहाँ पे पूजा कर सकते हैं और यहाँ पे पूजा करने के लिए काफी लोग आते हैं। 1:10 में इसे जलने का टाइमिंग है, जब ये जलेगा वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे होली का दहन का जलाया जाता है। जगह का एड्रेस बता देते हैं कि पटना के कदम कुआं के सामने में और चूड़ी मार्केट के पास ये होली का दहन का आयोजित किया जाता है। हर एक साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया है, जो कि काफी धूमधाम से किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कि सारा डिटेल में लिखा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजे ऊपर 12 बजे से लेकर मेला का आयोजित किया जाता है, और वो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे लिखा गया। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:10 में ये होली का दहन का जलने का टाइम है, तो आप लोग भी आइए। गाइस तो जिस समय का आप सभी को इंतजार था बेसब्री से, फाइनली वो समय आ चुका है। गाइस होली का दहन का मुख्य यानी शुभ समय हो चुका है, 1 बज चुका है फाइनली। अब हम आप लोगों को दिखाने वाले कि इस जगह पे किस तरह से होली का दहन होता है, सभी कुछ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। साउंड आप लोगों को ज़्यादा नहीं आ पाएगा क्योंकि वहाँ पे साउंड बज रहा है, इस वजह से हम आप लोगों को सिर्फ बैक कैमरे से होली का दहन ही पूरा दिखा पाएंगे। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। होने वाला है गाइस, जो कि देख सकते हैं कुछ तैयारी चल रहा है, इधर देख सकते हैं इसी से इस होली का दहन को आग लगाया जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, चलते हैं होली का माहौल का मजा लेने के लिए। जियो कार फॉर होली।
गाइस हम जो है इसी धरती पर का प्राणी है, शायद आप लोग मुझे पहचान रहे होंगे। शकल थोड़ा बंदर तरह बन चुका है, लेकिन देख सकते हैं इधर अगजा फाइनली जल चुका है। गाइस तो सभी कुछ आप लोगों को दिखा दिया, सो वीडियो कहीं पर एंड करता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को दबा के शेयर करना, सभी लोगों तक पहुँचा देना है। सो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।